नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नेहा, और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दुर्गा पूजा और दशहरा पर सीएम ने दी बधाई, कहा सत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है ये पर्व, आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर मनाए पर्व। बिहार में राजमिस्त्रियों के लिए नए अवसर, अब विदेशों में काम करेंगे राजमिस्त्री, राजमिस्त्रियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। नालंदा विश्वविद्यालय को यूजीसी से मिली मान्यता, दुर्गा पूजा के बाद नामांकन की प्रक्रिया होगी शुरू, विश्वविद्यालय में कुल 59 प्रोग्राम में होगा एडमिशन। साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए तैयार हो रही पुलिस, साइबर अपराध पर पुलिस को मिलेगी विशेष ट्रेनिंग, साइबर अपराध के नए रूपों से कराया जाएगा अवगत। और चैंपियन ट्रॉफी 2025 फाइनल पर सस्पेंस, टीम इंडिया नहीं जाएगी पाकिस्तान, बदलेगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की फाइनल का वेन्यू। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुर्गा पूजा और दशहरा के अवसर पर प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम नीतीश कुमार ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि दुर्गा पूजा और दशहरा हर्षोल्लास का पर्व है, दशहरा पर्व को विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है, ये पर्व असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है, ये हमारे जीवन में संयम और आत्मिक बल का संचरण करने वाला पर्व है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे दुर्गा पूजा और दशहरा को पारस्परिक सद्भाव, आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण तरीके से मिलजुल कर मनाएं। बिहार के राजमिस्त्रियों को बड़े निर्माण कंपनियों और विदेशों में काम करने के लिए अब अवसर मिलेंगे। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के बीच हाल ही में एक समझौता हुआ है, जिसके तहत राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देकर NSDC का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। बीते दिन सचिव मिनेंद्र कुमार और NSDC के प्रमुख मयंक भटनागर ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस योजना पर 26 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसकी अवधि जो है 3 साल की होगी। सभी 534 प्रखंडों के 30-30 राजमिस्त्रियों को 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन 700 रुपए की क्षतिपूर्ति मिलेगी। प्राधिकरण उपाध्यक्ष डॉक्टर उदय कांत ने कहा कि अब तक 20,000 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर सकेंगे। बिहार की राजधानी पटना में राजस्व विभाग में एक बड़ा फेरबदल किया गया है। सरकार ने 46 अधिकारियों की तबादले की अधिसूचना जो है जारी की है। इनमें पटना सदर के अंचल अधिकारी का भी स्थानांतरण किया गया है। संपत चक में पदस्थापित राजीव रंजन को अब पटना सदर का अंचल अधिकारी बनाया गया है। राजस्व विभाग में ये बदलाव भूमि सर्वे के दौरान मिल रही शिकायतों के चलते किए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अधिकारियों का तबादला सर्वे में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है। पुनपुन, मसौढ़ी, विक्रम, दुल्हिन बाजार और मनेर के राजस्व पदाधिकारियों को भी बदला गया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये योजना समाज के जरूरतमंद और कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके तहत लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। ये विशेषकर उन श्रमिकों के लिए है जो छोटे व्यवसाय या दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इस योजना में शामिल होने के लिए आपको 18 से 40 साल के बीच होना होगा। आपको हर महीने केवल 55 रुपए का योगदान करना होगा और सरकार भी आपके योगदान के बराबर राशि जमा करेगी। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी योगदान राशि भी बढ़ती जाएगी और 60 साल की उम्र के बाद आपको हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखेगी। अगर आप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं या अन्य ऐसे कामों से जुड़े हैं, तो ये योजना आपके लिए है। ऑनलाइन आवेदन आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट, हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर लें। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। बिजली कंपनी ने विद्युत बिल से विलंब शुल्क अधिभार हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग में एक याचिका दायर की है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर यह निर्णय लागू होगा, जिससे उपभोक्ताओं को तय समय पर बिल भुगतान का तनाव नहीं रहेगा। दरअसल पिछले वर्षों में आयोग द्वारा तय किया गया था कि 1.50% DPS तब वसूला जाएगा जब उपभोक्ता समय पर नहीं करते, लेकिन अब स्मार्ट मीटर के कारण अग्रिम राशि जमा की जाती है, जिससे यह शुल्क अप्रासंगिक हो गया है। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि DPS हटाने के लिए आवश्यक कानूनी बदलाव करने के लिए आयोग के समक्ष याचिका दायर कर दी गई है। सुनवाई जारी है और जल्द ही इस पर फैसला आने की उम्मीद है।
बीते दिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नालंदा खुला विश्वविद्यालय को नामांकन की अनुमति प्रदान कर दी है। ये मंजूरी 2 साल के बाद मिली है और अब विश्वविद्यालय में दुर्गा पूजा के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार ने जानकारी दी कि 14 से 15 अक्टूबर के बीच नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बार विश्वविद्यालय में कुल 59 प्रोग्राम में एडमिशन होगा। इसमें यूजी स्तर के 20 विषय में 4 साल का स्नातक होगा, वही पीजी में 30 विषय में नामांकन की अनुमति मिली है। खास बात यह है कि इसमें पीजी स्तर के 19 कोर्स साइंस आधारित है। नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जाएगा और पटना में कुछ सेंटर खोलने पर भी विचार किया जा रहा है। साइबर अपराधियों की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों के लिए 10 दिवसीय विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम तैयार किया गया है। ये ट्रेनिंग सीडैक पटना के सहयोग से होगी, जिसमें सभी रैंक के पुलिसकर्मियों को साइबर अपराध के नए रूपों और जटिल तथ्यों से अवगत कराया जाएगा। ये कार्यक्रम दुर्गा पूजा के बाद शुरू होगा। पहले चरण में आर्थिक अपराध इकाई के दारोगा और इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके बाद डीएसपी से लेकर जमादार तक के कर्मियों को ट्रेनिंग मिलेगी। इसमें आधुनिक उपकरणों और एप्लीकेशनों का उपयोग कर अपराधियों के जाल को भेदने की तकनीक सिखाई जाएगी। 1 जुलाई से लागू नए BNS के तहत साइबर अपराध अनुसंधान में आए बदलाव पर भी जानकारी दी जाएगी, जिसमें क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल ट्रांसफर की बारीकियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। शारदीय नवरात्र का आज 7वां दिन है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। 7वें दिन मंदिर का पट खुलते ही देवी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और श्रद्धालु दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा भक्ति भाव से करते नजर आए। वह इस दौरान भीड़ भाड़ को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मंदिरों में व्यापक इंतजाम देखे गए। बता दें कि आस्था के कारण शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। लोग घरों में भी पूरे आस्था और श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना में जुटे हुए हैं। शारदीय नवरात्र के दिन श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और भक्ति के साथ मां दुर्गा के सभी स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए कुछ नई घोषणाएं की है। 13 अक्टूबर से वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव बख्तियारपुर में होगा। पटना हावड़ा वंदे भारत 22:348 8:37 पर और हावड़ा पटना 22:347 9:32 पर बख्तियारपुर पहुंचेगी। इसके अलावा 14 अक्टूबर से हटिया एक्सप्रेस का ठहराव दनियावा में होगा। इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस 18:623 9:54 पर और हटिया इस्लामापुर 18:624 7:38 पर दानियावा पहुंचेगी। श्रमजीवी एक्सप्रेस का ठहराव भी पावापुरी रोड स्टेशन पर 14 अक्टूबर से शुरू होगा। राजगीर नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस 12:391 8:20 पर और नई दिल्ली राजगीर 12:392 9:15 पर पावापुरी रोड पर रुकेगी। ये कदम यात्रियों को अधिक सुविधा प्रदान के लिए उठाया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां कई शिक्षकों ने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर पिछले 10 से 12 वर्षों से नौकरी की और सरकार से लाखों रुपए का वेतन भी उठाया है। अब निगरानी विभाग ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 9 शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनमें सरैया प्रखंड के 6, गायघाट के 2 और कटरा के 1 शिक्षक शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षकों ने असम के गुवाहाटी स्थित SCERT संस्थान से जारी किए गए सर्टिफिकेट का सहारा लिया। आज में पता चला है कि केवल 10 शिक्षकों की सर्टिफिकेट की पुष्टि की गई है, जबकि 50 से अधिक शिक्षक इस फर्जीवाड़े के जाल में फंसे हो सकते हैं। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में नियोजन इकाई की संलिप्तता की भी आशंका जताई जा रही है। बेटा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की योजना के तहत 191 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। जिला प्रशासन द्वारा गठित एक बहुसदस्यीय टीम इस माह के अंत तक भूमि के अधिग्रहण के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करेगी। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि सिविल एनक्लेव का निर्माण यात्रियों के लिए आवागमन को सुविधाजनक बनाएगा। रनवे की लंबाई को 8,000 फीट से बढ़ाकर 12,000 फीट करने के लिए 400 मीटर लंबी और 1,500 मीटर चौड़ी भूमि की जरूरत है। टीम में शामिल अधिकारियों को इलाके का निरीक्षण करने और रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन इस परियोजना को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।
बिहार के बक्सर पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक ट्रक से 50 लाख रुपए की शराब जब्त की है। यह शराब की खेप पंजाब से मुजफ्फरपुर जा रही थी। डुमराव अनुमंडल की पुलिस पदाधिकारी अफाक अख्तर अंसारी ने बताया कि ट्रक चालक मजीबुर रहमान को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ पे उसने बताया है कि यह शराब की खेप पंजाब से सीधे बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए भेजी जा रही थी। बता दें कि पुलिस ने कुल 599 पेटी शराब बरामद की है, जिसकी मात्रा 5319 लीटर है। पुलिस अब इस मामले में मुख्य तस्कर की गिरफ्तारी के लिए जुट गई है। बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार में काबिज हो गई। बीजेपी ने 90 सीटों में से 48 पर जीत हासिल की है, जो कि बहुमत से 2 सीटें अधिक है। इस जीत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को बधाई दी है। उन्होंने इसे पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व का परिणाम बताया है। इस संबंध में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को फोन पर बधाई दी और नवरात्रि की भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरियाणा की जनता ने पीएम मोदी पर अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है। आपको बता कि हरियाणा में कुल 67.90% मतदान हुआ था और कई एग्जिट पोल ने कांग्रेस के जीत का अनुमान लगाया था, लेकिन बीजेपी ने सभी अनुमानों को गलत साबित करते हुए बड़ी जीत हासिल की। राजद सुप्रीमो लालू यादव के करीबी और पार्टी के पूर्व विधायक अरुण यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी लगभग 25 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। इस कार्रवाई के बाद उनके करीबी लोगों में डर का माहौल है। बता दें कि दानापुर इलाके में राबड़ी देवी के नाम पर 4 फ्लैट अरुण यादव की पत्नी और वर्तमान विधायक किरण देवी के नाम पर किए गए थे। अरुण यादव बालू के कारोबार से जुड़े हुए हैं और पटना से आरा तक उनका कारोबार फैला हुआ है। बता दें इससे पहले जनवरी में भी सीबीआई ने विधायक किरण देवी के घर पर छापा मारा था। अब ईडी की कार्रवाई ने उनके परिवार में और भी चिंताएं पैदा कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में होने जा रहा है, लेकिन भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने पहले ही स्पष्ट किया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी और उन्होंने हाइब्रिड मॉडल के तहत मैच कराने की मांग की है। टेलीग्राफ यूके की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के मैच पाकिस्तान के बाहर कराए जा सकते हैं। अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है तो इसे भी दुबई में आयोजित किया जा सकता है। टूर्नामेंट का फाइनल 9 मार्च को होने वाला है और आयोजन स्थल का फैसला 6 मार्च तक किया जा सकता है। यहां तक कि सेमीफाइनल के स्थान पर भी अभी निर्णय नहीं लिया गया है और अबू धाबी और शारजाह को संभावित स्थलों के रूप में देखा जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक आयोजित होगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नूनू गोलू, छोटू रजा, राज किशोर महतो, नरेंद्र कुमार, रंजीत मिश्रा, नौसाद रजा, मोहम्मद साकिर हुसैन, गोनर शर्मा, संजीव कुमार, अनवर करीम खान, रविशंकर, विश्वनाथन राम, राकेश मिश्रा, दीपक कुमार, राम बाबूदास। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, दुर्गा पूजा मेला में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? इसका जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए बिहारी न्यूज़ देखते रहिए, और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।